आइए आज देखते हैं अपना किचन में क्या बन रहा है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड की मिठाई। हाँ फ्रेंड्स, इंस्टेंट रेसिपी जो कि हम ब्रेड से चमचम बनाने वाले हैं, जो कि आप घर में आसानी से किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, जैसे होली हो, दिवाली हो, आप बहुत जल्दी बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम सबसे पहले बना लेंगे चाशनी। उसके लिए हमने ले लिया है एक कटोरी चीनी और इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी पानी और इसका हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी हम एक या दो तार के नहीं बनाएंगे, बस अच्छे से चिपचिपी हमारी चाशनी बन जाए इतना ही पकाएंगे। ये देखिए हमारी चाशनी अच्छे से पक रही है। और अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रेड को गोल गोल ऐसे किसी भी ग्लास या कटोरी से आप काट सकते हैं, ऐसे गोल गोल काट के और ब्रेड को हम रेडी कर लेते हैं। ब्रेड को छोटे छोटे पीस में काट के तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी चाशनी अच्छे से पक चुकी है। अब इसको हम गैस को करेंगे बंद और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि हम मिठाई ठंडे चाशनी में ही डुबाएंगे। चमचम में स्टफिंग के लिए हमने लिया है थोड़े से अखरोट और थोड़ा सा बादाम। इसको हम दरदरा पीस के ले लेंगे। चमचम में स्टफिंग के लिए हमने ये लिया है दूध की मलाई और इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे। और ये हमने लिया है अखरोट और बादाम, जिसको हम थोड़ा सा दरदरा पीस के ले लिए हैं। तो इसमें इसको हम मिला देंगे, मिला के और अच्छे से थोड़ा सा ऐसे मैश कर देंगे और इसी का हम स्टफिंग चमचम में भरेंगे। ये देखिए, और ये हमने लिया है ब्रेड कट कट के। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब भी कोई फेस्टिवल हो या होली हो, दिवाली हो, तो बहुत जल्दी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको ब्रेड के बीच में रख के और फैला देंगे हम, अच्छे से फैला देंगे इसको। ऐसे एक ब्रेड रख के इसको अच्छे से दबा दें। उसके बाद इसको हम चाशनी में डुबो देंगे। चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। इसको अच्छे से हम चाशनी में डीप करेंगे। डीप करने के बाद इधर हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा इसके लगा देंगे। देखिए नारियल के बुरादे में इसको ऐसे लगा के रखेंगे और इसको हम थोड़े से चेरी से गार्निश करेंगे। इसी तरीके से हम सारा चमचम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे चमचम बना के तैयार कर लिए हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये मिठाई आपको अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।